नमस्कार किसान साथियों, मैं शेखर गुप्ता आप सभी का फार्मर द जर्नलिस्ट में स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि आज किसान दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है यहां पर, और लगभग कई किसानों को यहां आज पुरस्कृत भी जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में किया जाएगा। जैसा कि आप सभी किसान साथी जानते हैं कि आज किसान दिवस के रूप में मंदाकिनी पैलेस पे आज कृषि विभाग के अधिकारियों व प्रशासन द्वारा मनाया जा रहा है, जहां पर बता दें कि आज मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व में रह चुकी यहां जिलाधिकारी नीलम अहलावत हैं, और साथ में बता दें कि जिलाधिकारी भी मौजूद हैं, CDO साहिबा भी मौजूद हैं, साथ में कृषि अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ में बता दें कि सांसद प्रतिनिधि शक्ति प्रताप सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी यहाँ पर इनको स्टॉल चेक कराया जा रहा है, और जिन विभागों कि यहाँ प्रदर्शनी लगी हुई है उन प्रदर्शनियों में विभिन्न प्रकार के जो फल फ्रूट्स सब्जियां लगी हैं उनके बारे में मैम जानकारी ले रही हैं कि किस प्रकार से यहाँ चित्रकूट में खेती की जाती है और उसका किसान किस प्रकार से उपयोग कर रहा है, उससे कितना मुनाफा ले रहा है। वही तस्वीर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर चित्रकूट DD मौजूद हैं जो पूरी जानकारी दे रहे हैं DM साहिबा को और साथ में DM सर को कि ये जो उद्यान विभाग के स्टॉल में पहुँचे हैं और उद्यान विभाग के स्टॉल में यहाँ विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ हैं उनको एकत्रित कर रहे हैं मैम, और साथ में जो पूछ रहे हैं उनके बारे में भी वहाँ मौजूद पीयूष पटेल इंस्पेक्टर हैं उन्होंने अपनी जानकारी दी। और दूसरा स्टॉल इफ़्को का लगा हुआ है, इफ़्को की जो नैनो यूरिया है उसके बारे में भी मैंने जानकारी ली कि नैनो यूरिया का किस प्रकार से उपयोग है और कितना क्या अहम भूमिका निभा रहा है नैनो यूरिया किसानों की खेती में, उसके विषय में भी उन्होंने जानकारी लिया। और नैनो यूरिया की मात्रा बता रहे हैं कि जो 2 बीघे के लिए 1 CC का इस्तेमाल किया जा रहा है और स्प्रे करने से फसलों में डायरेक्ट ही मिल जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा उत्पादन भी अच्छा होता है, जिसकी वजह से किसान इस समय नैनो यूरिया उपयोग लगातार खेतों में कर रहे हैं। वहीं बता दें कि यहाँ विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं जिनका निरीक्षण जिलाधिकारी महोदय कर रहे हैं, और साथ में उनके जो अन्य प्रशासन अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, LDM साहब हैं, जो उन्होंने उनको फूल गुच्छ देकर के उनका स्वागत किया, अभिनंदन कर रहे हैं। अब मैम यहाँ से जाकर के अब कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी, उसके अध्यक्षता को कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। साथ में कार्यक्रम की जो आज रूपरेखा है वह आज किसान दिवस के रूप में, और बता दें कि जिस प्रकार से 23 दिसंबर को हर वर्ष यहां पर किसान दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर के आज यहां पर बैठे सभी किसान इंतजार कर रहे हैं। साथ में बता दें कि इन कुछ किसानों को, लगभग 56 किसानों को आज यहां पुरस्कृत किया जाना है, उसके विषय में भी मैम को माध्यम से ही उनको पुरस्कृत किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, जिससे कि लगातार किसानों की आय किस प्रकार से बढ़ाई जा सके और किस तरह से किसानों को लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, इसको लेकर के आज उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और जो भी किसान अच्छा कार्य, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और अच्छे कृषि में उनका अहम भूमिका है, उसको देखते हुए कृषि विभाग ने चयनित किया है, जिसमें से 56 किसान चयनित होकर के आए, उनको जिला अधिकारी महोदय सम्मान करेंगे।